नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस न्यूज प्लस में। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आगे की अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेना के लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना को कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर चाहिए थे जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उड़ान भर सकें और अपने साथ भारी हथियार ले जा सकें। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से LCH हेलीकॉप्टर की मांग की, जिस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सेना को लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर रुद्र प्रदान किया है। यह ध्रुव हेलीकॉप्टर का आर्म्ड वर्जन है। सेना ने दो रुद्र हेलीकॉप्टर लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर तैनात कर दिया है। भारतीय सेना को 160 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। फिलहाल सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 15 हेलीकॉप्टर बनाने को कहा है, जिसमें 10 एयरफोर्स को तथा 5 थल सेना को सौंपी जाएगी। चलिए जानते हैं इस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर रुद्र की विशेषताएं क्या हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हेलीकॉप्टर वजन में काफ़ी हल्का है, जिसके कारण हाई एल्टीट्यूड में यह आसानी से उड़ान भर सकता है। यह रुद्र हेलीकॉप्टर में फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड तथा थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा हुआ है, जिससे यह दिन हो या रात किसी भी समय दुश्मन की गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर पर दागी गई मिसाइल को पहले ही भांपने का सिस्टम लगा हुआ है, जिससे पायलट खुद पर दागी गई मिसाइल से आसानी से बच सकता है। इसमें 20 mm की टॉरेट गन लगी हुई है, जो पायलट के हेलमेट से जुड़ी हुई है। पायलट जिधर भी देखेगा गन उधर ही निशाना लगाएगी। इसमें 10 mm की रॉकेट पॉड्स भी लगी हुई हैं। इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल भी लगी हुई हैं। इसमें 2 पायलट्स बैठ सकते हैं और यह 12 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 15.87 मीटर है और चौड़ाई 3.15 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 4.98 मीटर है तथा वजन 4445 किलोग्राम है। इसमें 2 टॉर्पीडोज भी लगे हुए हैं तथा 4 एंटी शिप मिसाइल्स भी लगे हुए हैं, ताकि समुद्री ज़रूरत पड़ने पर यह समुद्री जहाज़ों को आसानी से नष्ट कर सके तथा पनडुब्बियों को भी निशाना बना सके। इसकी स्पीड की बात करें तो यह 245 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशंस, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, एंटी टैंक वेपन तथा क्लोज एयर सपोर्ट में किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी रुद्र हेलीकॉप्टर से रिलेटेड डिटेल्स। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आगे की अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।